देख लियो, परसों तो रोड से उतार दी, अब आओ जो आज और उतार दी, इनके बाद फिर देख लियो टीके लगाए बाद भी नींद को नहीं आवे। जब लाल पानी लगाएंगे ना तो जब पंखे चला के फिर बीड़ी पीने बैठ जाता है, कहते यार वोट तो रणजीत सिंह बनता है, मुझे पता है वोट तो वही आएगा कि गन्ना मजबूत करो, गन्ने के भाव देंगे, मेरा दोस्त मित्र है, कोई इधर उधर की बात नहीं, इशारा ही होता है ना। बताओ बुड्ढा साहब के सर्व मित्र के वोट मांगेंगे क्या? धोतण में मांगते कोई मजे भी शर्म आती है, कैसे मांगेंगे बताओ। आज जो देवीलाल का परिवार जो सदा सेठ नंदलाल खजानचियों के खिलाफ लड़ा, वो अगर आज कांडा के किले में चला जाए तो फिर जो देवीलाल की नीति पॉलिसी कहा रहे, फिर तो जो देवीलाल का सारा ही सामान बेच दिया। आज ओम प्रकाश जी को उठा के लाना पड़ा, उन्हें बड़े भाई साहब है मेरे, अब 92 साल उम्र है, उन्हें पता नहीं चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, उन्हें बस के में गुहा रहे हैं कि ये तो पता लग गया ना कि जनता क्या है। एक नंबर जबरदस्त सुकड़ पाड़ दिया आज तो। ब्याह शादी में भी कभी चौथी पीढ़ी तक गए हो के पीछे जिस गांव से उठ के आए हो बता दो। तो भाई चौधरी देवीलाल के घर में ही रखो ना, लंबे चौड़े आगे खाते क्यों खोलो, पहले तो हमारे साथ ही जाओ। मैं रोम प्रकाश, अगर रणजीत सिंह जो देवीलाल का स्वभाव लेके चलता है, जो देवीलाल की आते लेके चलता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी साथियों का, और इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं धोतड़ गांव में, जहां पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में आज धोतड़ गांव के अंदर जो है वो एक बहुत ही बढ़िया और भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। और ऐसे में देखिएगा कि चौधरी रणजीत सिंह का काफिला जो है वो लगातार एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी गाड़ियों का काफिला जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में निकाला जा रहा है, चल रहा है। और इसके बाद अगर बात करें तो गाँव के लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को ट्रैक्टर पर बैठा करके जो है वो ट्रैक्टरों का एक बहुत बड़ा लंबा काफिला ले करके जो है वो सभा स्थल तक जो है वो पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में तस्वीरें हम आपको जो है वो लगातार दिखा रहे हैं, देखिएगा कि किस प्रकार से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो चौधरी रणजीत सिंह के काफिले के अंदर जो है वो शामिल हुई हैं। और उसके बाद तो यहां पे ये तस्वीरें देखिएगा कि भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे, भीम आर्मी जिंदाबाद, तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि भीम आर्मी का भी काफी अच्छा योगदान जो है वो इस काफिले के अंदर देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या में बाइक लेकर के तमाम युवा जो है चौधरी रणजीत सिंह के समर्थक हैं, जननायक जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, युवा हैं, भीम आर्मी के हैं, चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी है उसके समर्थक हैं, लगातार जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के झंडे हाथों में लेकर के जो है वो लगातार चौधरी रणजीत सिंह को मजबूती देते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गांव के अंदर जो है वो काफी अच्छा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है चौधरी रणजीत सिंह के प्रति। जो है वो अगर बात करें तो लोगों का लगाव जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा करके चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं रानिया के गांव धोतड़ की, जहां आपको बता दें कि धोतड़ गांव के अंदर चौधरी रणजीत सिंह जो है वो अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिएगा कि गांव के लोग काफ़ी अच्छी संख्या में चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करने के लिए जो है वो लगातार उनके साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव के लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को ट्रैक्टर पर बैठा करके, और रणजीत सिंह जो है वो गाँव के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ समर्थन में जो है वो ट्रैक्टर ले करके जो है वो पहुँचे हैं। और यहाँ पर सूर्य प्रकाश चौटाला भी देखिएगा ट्रैक्टर चलाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर पे विजयी चिन्ह बना करके जो है वो सूर्य प्रकाश चौटाला भी जो लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर जबरदस्त सुकड़ पाड़ दिया आज तो, और के तो पहली बार ट्रैक्टर चला रहे हो? मैं कल भी चलाया हूँ ट्रैक्टर। अच्छा, कल केर वाला चलाया था मैंने ट्रैक्टर, मैं चलाता रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो सूर्य प्रकाश चौटाला भी जो है वो ट्रैक्टर चला करके काफी उत्साहित जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिएगा चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में जो है वो लगातार युवा जो है वो ट्रैक्टर पे सवार होकर के एक के बाद एक ट्रैक्टर पे जो है वो
चौधरी रणजीत सिंह का झंडा लगा करके जो है वो चौधरी रणजीत सिंह की आवाज को जो है वो बुलंद करने के लिए, चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव प्रचार को बुलंद करने के लिए लगातार जो है वो एक के बाद एक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यूं कहें कि चौधरी रणजीत सिंह का धोतड़ गांव के अंदर जो है वो भव्य स्वागत जो है वो किया गया है तो कुछ गलत ना होगा। गांव के लोग, जिस भी गली से चौधरी रणजीत सिंह का काफिला ये गुजर रहा है तो गांव के लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे खड़े होकर के जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के इस काफिले का और चौधरी रणजीत सिंह का अभिवादन लगातार जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यूं कहें कि धोतड़ गांव जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में उमड़ पड़ा है तो कुछ गलत ना होगा। लगातार जो है वो चुनाव प्रचार चौधरी रणजीत सिंह का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक के बाद एक आप तस्वीरें देखिएगा कि पूरा ट्रैक्टर का काफिला जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो ट्रैक्टरों पर सवार होकर के चौधरी रणजीत सिंह का साथ देने के लिए, समर्थन करने के लिए जो है वो लगातार यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभा स्थल पर भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सभा स्थल में कितनी भीड़ जो है वो उमड़ती है और किस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन जो है वो गांव के लोगों का मिलता है। और कुल मिलाकर के यूं कहें कि रानिया का चुनाव जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी कांटे की टक्कर का मुकाबला जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तमाम चर्चाएं चल रही थी उन तमाम चर्चाओं पर लगातार जो है वो दिन प्रतिदिन चर्चाएं जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आप तस्वीरें देखिएगा, पूरा जूम करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि ट्रैक्टरों का बहुत बड़ा काफिला जो है वो एक के बाद एक ट्रैक्टरों के टायर जो है वो एक साथ चलते हुए लगातार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत ही बड़ी संख्या में चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन देने के लिए धोतड़ गांव के लोग जो है, खास करके युवा हैं, वो जो है वो उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं धोतड़ गांव में, और धोतड़ गांव में जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह का भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर लड्डुओं से तोल करके जो है वो चौधरी रणजीत सिंह का स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो अगर तस्वीरें आपको दिखाना चाहें तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अगर बात करें तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम वर्ग के लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर इस सभा के अंदर जो है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से हम बदल चले फरीज की जंजीरों में, एक तक एक कतरा आंसू नहीं गिरेगा, चाहे देख लेना चौधरी रणजीत सिंह की तस्वीरों में। गरीब के चूल्हे की रोटी की खातिर खुद को हमने जला दिया, गरीब के चूल्हे की रोटी की खातिर खुद को हमने जला दिया, पर हमें खुशी है यही दुश्मनों की जड़ों को हमने हिला दिया। हमने निभाया अपना वादा, हमने निभाया 5 साल अपना वादा, अब तुम भी अपना वादा निभा देना। अगर मिट भी जाऊं दुनिया से तो लोगों को मेरा इतिहास बता देना। चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, रणजीत सिंह जिंदाबाद। और जो आज उत्साह जोर से मैंने धोतड़ गांव में देखा, एक हफ्ते नहीं, ट्रैक्टरों की लाइन हर घर में, हर छज्जे पे खड़े घर के परिवार के बच्चे लोग, और जहाँ से भी निकल रहा था गलियां भरी हुई, मतलब ऐसा शायद कभी हिंदुस्तान की आज़ादी पे तो ऐसा रंग चढ़ा हुआ, ऐसा रंग चढ़ा हुआ नहीं देखा। लोगों में जोश और हिम्मत, जब हौसला होता है ना तो फिर उसका अंदाज अलग ही होता है। आज जो लोगों में है ना, मैं गांव में देख रहा हूँ कि बड़ा आज़ाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कोई भय डर कुछ भी नहीं हुआ। जो बड़े चौधरी बने थे उनका बिल्कुल साफ हो गया मामला। गांव जब निकल जाता है ना, जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। और एक मिनट आपसे बताऊं, आज इस काम में नहीं, मैं पीछे गया घोड़ाड़े में खाजा खेड़ा में गिंदला में भी, इन गांव में हवाई ऐसी चली है, सभी गांव में सांस तो सबको एक जैसे ही आ रहे हैं ना, चाहे धोतड़ा है चाहे सुल्तानपुर है, हर जगह लोगों को एक ही बात है कि यार रणजीत सिंह जो है, जब कंपैरिजन करते हैं ना तो वो ये देखते हैं कि
रंजीत सिंह जो है वो भला आदमी है, लड़ भी लेंगे तो भी सजा लेंगे, कम से कम इज्जत है तो बोलेगा, हम भी गलत होंगे तो भी हमें राजी करने के करेगा। अरे बोले दूसरी तरफ तो ये देखेंगे कि जब जाएंगे तो ये कहेंगे कि आगे कौन होके बात करेगा, आज़ादी इसी का तो नाम है। सब लोग ये समझते हैं, दूसरे तो कहीं फाइट में नहीं है, पर मैं बताऊँ ये भी लोगों में गलत प्रचार है कि ये बागडी बेल्ट कमजोर है। मुझे नामदारी कह रहे थे इसमें संतनगर गांव में कल हमारा वहाँ जलसा, कल एक खारिया में, कल दिग्विजय में इकट्ठे हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, पहले खारिया फिर संतनगर फिर उसके बाद बनी गांव में, और तीनों गांव में तीन तीन चार चार हजार की गैदरिंग होगी। तब संतनगर वाले ये कहते हैं कि अगर बागड़ ठीक हो गया तो फिर एक तरफा इलेक्शन। अब मैं आप बागड़ की बात बता रहा हूँ, आपने शेखुपुरिया देखा, आपने फतेहपुरिया देखा, आपने पीरखेड़ा देखा, जोधपुरिया देखा, अब धोतर को आप दे रखो, इससे कोई बड़ा रंग है कि कभी धोतर में ऐसा पहले रंग चढ़ा तो बता दो, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। चौधरी रणजीत सिंह आज ओम प्रकाश जी को उठा के लाना पड़ा, उन्हें बड़े भाई साहब है मेरे, अब 92 साल उम्र है, उन्हें पता नहीं चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, उन्हें बस के में दुहा रहे हैं कि ये तो पता लग गया ना कि जनता क्या है। भाई एक ही बात कह रहा हूँ, जो देवीलाल के परिवार से बंधे हैं, इस इलाके का काम केवल जो देवीलाल कर सकते हैं, कोई दूसरा परिवार तुम्हारा नहीं कर सकता, कभी गलत फहमी नहीं रहना। उस परिवार में हम दो हैं, अगर ओम प्रकाश जी लड़ते तो मैं पीछे हट जाता, पर अब तो चौथी पीढ़ी लड़ रही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ देसी भाषा में, ब्याह शादी में भी कभी चौथी पीढ़ी तक गए हो क्या, पीछे जिस गांव से उठ के आए हो बता दो, तो भाई चौधरी देवीलाल के घर में ही रखो ना, लंबे चौड़े आगे खाते क्यों खोलो, पहले तो हमारे साथ ही जाओ, मैं रोम प्रकाश। अगर रंजीत सिंह जो देवीलाल का स्वभाव लेके चलता है, जो देवीलाल की आते लेके चलता है, आज जो देवीलाल का परिवार जो सदा सेठ नंदलाल खजानचियों के खिलाफ लड़ा, वो अगर आज कांडा के किले में चला जाए तो फिर जो देवीलाल की नीति पॉलिसी कहा रहे, फिर तो जो देवीलाल का सारा ही सामान बेच दिया, तो भाई मैं जो देवीलाल की नीतियों पे लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, काम करूँगा। अब मुझे एक बात और क्लियर करो, कई भाई कह देते हैं बोले भाई राज में मैं लेके चलूँगा, तो भाई कांग्रेस आएगी, लाख की भीड़ इकट्ठी होगी तो वहाँ भूपेंद्र सिंह उठा देखेंगे ना कि ताकत किस पे है, कोई ये थोड़ा ही नहीं पहले थे ना, तो जिसके ताकत कहा था ना कि गन्ना मजबूत करो, गन्ने के भाव देंगे, मेरा दोस्त मित्र है, कोई इधर उधर की बात नहीं, इशारा ही होता है ना। बताओ बुड्ढा साहब के शर्म मित्र के वोट मांगेंगे क्या, धोतण में मांगते कोई मजे भी शर्म आती है, कैसे मांगेंगे बताओ। वो किसी ने कहा कांग्रेस ये सारे सरपंच हो गए, यहाँ उन्हें पता है, सुभाष नेहरा को भी पता है, वो एक कांग्रेसी से दीपेंद्र उसके सामने वो कहने लगा सर मित्र कमल के जी ये रणजीत सिंह की मदद करता है, तो वो दीपेंद्र ने जब उसे कहा, वो कहने का बात सुनो मैं भी बोलूँगा, बोले ये जो सर मित्र है ना कभी आपकी भीड़ में दीपेंद्र की भीड़ में पिछले 10 साल से कहीं किसी स्टेज पर दिखाओ तो फोटो दिखा दे, मेरा बाप मेरा दादा मैं सब कांग्रेस के लिए मर गए, हमने कांग्रेस के लिए काम करा, इस इलाके में जिंदा मैंने रखी, अरे बोले हमें ये कहता है तो बोले एक वोट भी नहीं दूंगा, अब रणजीत सिंह की हम ठोक के मदद करेंगे। डिपेंडर के सामने अगला ने कह दिया मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र दोस्त है, तो कोई भी आदमी सर्व मित्र को वोट कैसे डालेगा, धोतर का भी कोई आदमी चौधरी बैठे हो, पर जब वोट डालेंगे ना कहेंगे यार आत्मा नहीं मानती, ये तो जब लाल पानी लगाएंगे ना तो जब पंखे चला के फिर बीड़ी पीने बैठ जाता है, कहते यार वोट तो रणजीत सिंह का बनता है, मुझे पता है वोट तो वही आएगा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर मैं एक ही बात के आपके हौसले आपकी हिम्मत को, अब पोता भी साथ खड़ा है इसकी तरफ से, मेरी तरफ से दोनों को सलाम करता हूँ, सब आप लोग देगा देगा माइक फिर मैंने वो फेल कर देगा। पोता आगे आ गया ना कल ज्यादा ला रहा हुआ सारा ने, पहली तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों धन्यवाद, क्या थी तो जोरदार सुकड़ पाड़ करी है, अब देखता जाओ विरोधी आगे तो नींद उड़ गई, आज जोतड़ का उदाड़ी थी कौन उड़ाती नींद, अब देख लियो परसों तो रोड से उतार दी, अब आओ जो आज और उतार दी, इनके बाद फिर देख लियो टीके लगाए बाद भी नींद कौन नहीं आवे।
चौधरी रणजीत सिंह जी के एक तरफा लहर चलने लग रही है। हरमन तो पहले दिन पता उसी दिन चोर साहब की टिकट कटी नहीं, मैं जागरण में बैठी हूँ रामदेव जी के बैठे मैसेज जय कहता कि चोर साहब की टिकट कटी की मैं जय रामदेव जी अब नारो लगा दियो घर आया तो चोर साहब बैठे मैं क्यों चोर साहब खुश हो जाओ अब तो थारी टिकट कट गई दल दरू बारे कट गया। अरे देखते जाओ चौधरी रणजीत सिंह जी एक तरफा जीतने लाग रहे गन्ना किसान की लहर चलन लाग रही है। 12 नंबर को बटने 12 मासी पानी आसी चौधरी रणजीत सिंह जी एक ने तय जी का सारांगे सुख में दुख में आवे और कोई आवे के 37 साल हो गए भैया कोई संघर्ष करे को निचोर साहब पर को एक आदमी कोई बता दे मने 36 बिरादरी को साथ है बाकी जी का कैंडिडेट है नहीं भाई तो एक बिरादरी की बात करे चोर साहब सारांगी बात करे चौधरी रणजीत सिंह जी मैं आगे वर्ग आदमी कभी कौन देखा मैं तो भाई साहब दिन रात एक राखी एटी चोटी को जोर लगा दी जीत के घर घाला चोर साहब ने ज्यादा कुछ ना कहते सारा ने एक ही बात कहूंगा भाई चोर साहब ने वोट दे दी हो राज को ता जाएंगे ऊपर रोशनी तो बा कलम पाट जाएगी पर विकास कौन रुके बटे मैंने कल फतेहपुरी बताने लग रहा था कि चोर साहब बटे तो जो 2003 में जब जानता नहीं तो पहली बाथरूम जानता बिंग बात बटे जानता डर लाग तो बीच में नाली है नहीं भी लोग डरता क्या कि इनमें मैं मुंदो मार के कूट सी तो घड़ी गए सारा ने ज्यादा की कौन कौन सारे मेरा आदरणीय है।